आज जी मैं जा रहा हूँ, आज है मेरी फ्लाइट, सब कुछ पैक है, सामान पड़े हुए, फिर शाम को हम निकल जाएंगे। सुबह की है मेरी 12 बजे तक की फ्लाइट, तो अभी जा रहे हैं। भैया लेस दे दो एक 20 वाला, नीले वाला दे दो, नीले वाला एक बस। कितने लोग आ रहे हैं? These are all prohibited items. यहाँ से चेक इन हो रहा है मेरा 8 नंबर गेट से।
तो ये है जी, यहाँ पे फ्लाइट्स नंबर लिखे होते हैं, गेट नंबर लिखा होता है कौन से पे कहाँ पे आनी है। मेरी है वर्जिन अटलांटिक। यहाँ पे ये हेल्प डेस्क होते हैं, मनी काउंटर्स, एक्सचेंज, JKL। ये हैं वर्जिन अटलांटिक के काउंटर्स, JKL में होता है। और कुछ नहीं, गेट से वो सामने येलो वाला गेट दिख रहा है आपको, उधर से इधर तक आना है। और भाई यहाँ पे बोर्डिंग पास वगैरह मिल जाएंगे आपके, वेट हो रहे हैं, लगेज सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे होती है जी इमिग्रेशन, सामने से एंट्री, एंट्री से सामने सामने आते जाओ इमिग्रेशन। फिर ये इसके होती है चेक। अब हम गेट की तरफ जाएंगे, यहाँ पे लिखा है गेट नंबर 26, मेरा गेट नंबर 10। आराम आराम से हो गया, बड़ा इजीली है, कुछ पूछा नहीं, ऐसे ही मिल गया बोर्डिंग पास। अरे सामने है ड्यूटी फ्री, आप देख सकते हो लिखा है दिल्ली ड्यूटी फ्री। हाँ सब कुछ, दारू वारू वो देखो रखी हुई है, दारू ब्लैक लेबल क्या नहीं रखा हुआ, दिखाता हूँ अभी आपको। तो ये है जी ड्यूटी फ्री, इधर का जो मर्जी खरीद लो, ब्लू लेबल, रेड लेबल, ब्लैक लेबल। ये अभी गेट की तरफ जा रहा हूँ, गेट नंबर 10 है मेरा। और ये कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, सीधे जैसे गेट से आते हैं, कोई भी गेट से आओ तो सामने सामने हमारा इमिग्रेशन हो जाता है, चेक इन, बोर्डिंग पास दे देंगे वो हमें, वेट नापेंगे। साइड बैग कभी से मेरा नापा नहीं, ये साइड बैग मैं वर्जिन में शायद 10 किलो अलाउड है, वेबसाइट पर भी मैंने देखा था 10 किलो अलाउड है वर्जिन में, पर उन्होंने वेट किया नहीं। और अभी मैं जा रहा हूँ गेट की तरफ। और फिर आपको ये बताना था, फार्मेसी भी है, आप अंदर से चाहे इधर से ले लो मेडिसिन, कोई लेना है ड्यूटी फ्री, ये देखो WH Smith। तो मैं कह रहा था जैसे ही मेरा भाई चेक इन हुआ, उन्होंने दोनों लगेज मेरे रेडी है। वैसे तो स्टूडेंट डिस्काउंट पर भी अलाउड है, पर लेके नहीं गया तीसरा सामान, लगे इसने इतना सामान कैसे लेके जाए। तो फिर बस आगे आगे आते गए, ये देखो सब कुछ मिलता है, चाहे इधर बैग ले लो भाई, वो नेक पिलो ले लो, फिर आई शेड्स ले लो, सब कुछ टोटल ही। ये देखो आप पैदल भी चल सकते हो इधर से, 3-2-14 है, चाहे इस पर चल लो भाई, मैं तो जा रहा इसी पे क्योंकि मैं गया थक, ठीक है। ये मेरा सामान और ये व्यू है, मे बी ये पता नहीं यार, शायद अराइवल्स होंगे ये वाले सामने जो लग रहे हैं मेरे को, जो कारें चल रही हैं बड़ी, हाँ वही है अराइवल या डिपार्चर। भाई थक गए, कपड़े उतारते उतारते, पहले कपड़े उतारो फिर डालो, है ना, उतारो डालो फिर उतारो, गर्मी पसीने आ गए भाई, सर्दी भाई सर्दी में ही पसीने आ गए। अभी देखते हैं भाई कोई मिल जाए साथ में, कोई हो अपने साथ में जाने वाला। चलो जी आगे से लें। ये देखो यहाँ पे लिखा भी है मेरी फ्लाइट वर्जिन अटलांटिक, 11:30 डिपार्चर टू लंदन हीथ्रो, यानी है गेट नंबर 10 पे। ये भाई सब कुछ सेम होता है, आप उधर से रेड गेट से आओगे गेट नंबर से, सामने आपकी जो भी नंबर होगा डिस्प्ले होंगी उधर पता लग जाएगा आपको। वैसे तो लिखा पता लग जाता है एयरलाइंस की वेबसाइट पे भी कौन से अल्फाबेट वाले काउंटर्स पे आ रही है, उधर चले जाओ, उधर जाके आपको लगेज दो, चेक इन करो, बोर्डिंग पास लो और फिर डायरेक्टली आगे इमिग्रेशन होता है सामने, फिर सिक्योरिटी होती है जहाँ पे आपको सब कुछ अपने रखने होते हैं, जूते वगैरह कपड़े मतलब खोल के भारी जैकेट्स और छोटे वोटे जो पावर बैंक्स फ़ोन बाहर निकाल के रखने होते हैं, फिर हो गया सब कुछ क्लियर।
ये इन पे चल के लगता है कि भाई बड़ी तेज़ चल रहे हैं। आपको अभी दिखाता हूँ आगे, वो भी फ्लाइट्स भी दिख रही हैं, वो भी दिख जाएंगी इधर से। अभी दिखने तो वेंडिंग मशीन्स भी हैं भाई, ये देखो वेंडिंग मशीन्स, आप कोक पेप्सी वाटर बॉटल सब कुछ ले सकते हैं। गेट नंबर 10 आ गया भाई। तो मैं कह रहा था ऐसे ना, ऐसी कुछ जब भी आप एंटर होते हो ऐसी डिस्प्ले लगी होती हैं जहाँ पे लिखा होता है आपकी फ्लाइट नंबर, डेस्टिनेशन, कंपनी एंड गेट। एयर वेंडिंग मशीन, वाटर डिस्पेंसर, बोर्डिंग होने लगी है, बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, बस देखते हैं अभी। नाउ वी आर बोर्डिंग। आपका सभी सामान और लैपटॉप आपके बैग में डालकर ऊपर बने लॉकर में रखा हुआ है। हमारी आज की उड़ान संभवतः 9 घंटे और 15।